यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनाद आचम्य प्राणानायम्य ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पूर्णानाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। प्राणायाम प्रणव से ब्रह्म ऋषे परमात्मा देवता देवी गायत्री छंद प्राणायाम विनियोग प्राणायाम कीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम यो देवस्वतास्माकं धियो धर्माधिगोचरे प्रेरयतस्य तद्भर्गस्तत्वरेण्युपासमहे। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम श्रीमन् महामंगलमूर्तये नमः। हाथ में चावल लीजिए। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्चैकबिलोगजकर्णकाः समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चन्दनमुखवासार्थे ताम्बूलपूर्वकदक्षिणान् समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः गुरुदेवताय विद्महे प्रब्रह्माधिमहे तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। अनेन पूर्वाराधनेन पयादिपञ्चामृताभिषेकाख्येन कृणा श्री सद्गुरुदेवताभ्य प्रियतान्न मम प्रियतो वरदो भवतु। तत्सत् श्री सद्गुरुदेवतार्पणमस्तु। उत्तरे निर्माल्यं मिश्रस्य अभिषेकं कुर्यात्। हरि ओम। ओम सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद त्रिभुवनं सभूमिं विश्वदोर्ध्वात्यादिष्टदशाङ्गुलं पुरुषैवेदकं सर्वं विद्भुतमेच्छमव्यं ताम्रतत्त्वशेषानः इदन्येनाधिरोहते। एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्य भवात्मनः ततो विश्वं जग्रामो शासनानशनीयभि तस्मात् पुराणजातविराजोऽदि पुरुषः स जातो अत्यर्षदावत्सात् ृदेक्रमेदानेदेपूमस्वागमस्वे त्रीन पदा चक्रमे विश्व गोपाद अतो धर्मा धारेन्न
विष्णु कर्माणि पश्यते यतो वृधानि पश्यसे इन्द्रस्य युजसः तद् विष्णु परमं बलं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्नवो जागाम सस्मिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं ओम देवस्य त्वासमिदु प्रसवेष्णोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां अग्नेस्य यथा सूर्यस्य वर्तसेन्द्रसेन्द्रियेणाभिषिञ्चामि बलाय श्रेयसेनाध्यायः भूर्भुवस्वः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्ति पुष्टिस्तु श्री सद्गुरुवे नमः महाभिषेक स्नानं समर्पयामि अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं ओम आपोहिष्ठामो योगस्थान ऊर्जे ददाता मने अन्नाय चक्षते योगशिवतमो सत्वस्य वायते नः उषतेरिव मात्रः तस्मारङ्गमामो शक्यान्यमता आपो जनयता च नः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सुप्रतिष्ठितमस्तु सभी लोग ध्यान से सुने यह मंत्र ही गुरुपादुकाओं का विशेष मंत्र है जो सिद्धाश्रम में भी गुरुपादुकाओं पर इस मंत्र को करते हैं तो आपको अपनी पादुकाएं सामने रखकर इस मंत्र को पांच मालाएं करना है चार की पांच चार मालाएं करना है मंत्र मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो सह प्रेम हसक्ष मालावर यूम सह प्रेम हसक्ष मालावर यूं सह प्रेम हसक्ष मालावर यूं आपके पादुकाओं के सामने इस मंत्र को करने के बाद क्या करना है मैं बाद में बोलता हूं पहले पादुकाओं का चार वाला मंत्र करें आपके पास जहां बैठे वहीं बैठे रहें जो गुरुजी ने अपने चरणों में पहनकर पादुकाएं दी थी मैंने हैदराबाद से लाई हैं अब इन पादुकाओं को आप जप करते समय आपके सर पे रखते हुए आगे बढ़ेंगे दीवान जी किसी साधक को बोलो कि सभी के सर पर ये ओरिजिनल पादुकाओं को जो गुरुजी के हैं उनके पादुकाओं को सर पर रखते आप भी सर पे रख लो और सभी के सर पे रख देते हुए जाइए अब आपको कर्तव्य है जो जप कर रहे हैं सभी के सर पे रखते हुए लाइन से जाओ सभी को इन पादुकाओं को जो लोग मंत्र जप नहीं कर रहे हैं वे गुरु मंत्र जप करके भी इसमें इन पादुकाओं को आपके सर पे रख लो ताकि आपको गुरु जी की पूर्ण शक्ति आपके शरीर में समाहित हो आपके पास ही पादुकाएं आ रहे हैं आपके सर पे रखते हुए जाएंगे जो मंत्र कर रहे हैं वो लोग मंत्र करें नहीं तो जिनको मंत्र नहीं आता है वो लोग गुरु मंत्र जप कर लें